जा कुर्बान जाना तुझ पे जाना। क्या तोड़ दिया? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। ये तुमने अगर मेरा शादी करवाना था तो जवानी में करवा दी, ये सब झंझट करने का क्या जरूरत था? खान, तू अभी भी जवान है, खूबसूरत। यार गुलमकई, मैं बस सिर्फ तेरे को खूबसूरत लगता हूँ, बस। रेशम नादान है, ना समझ, कुछ दिन बाद समझ भी जाएगी, बस सब ठीक हो जाएगा। फिर गुलमकई, तुमको अंदर से जलन तो होता होगा। मेरा मतलब है, देखो ना, एक औरत जब दूसरा औरत को अपने घर ला रहा हो तो तुम हजार बार छुपाओ, लेकिन बात तो सच है कि अंदर से तकलीफ होता है, जलन होता है। हाँ, थोड़ी थोड़ी सी तो जलन होती है। जब तुम्हारा बच्चा, नहीं हमारा बच्चा होगा ना, तो मैं बहुत खुश होगी। छोटी दुल्हन सारा घर का काम संभालेगी, हमारी खिदमत करेगी और मैं बच्चों को पालूंगी। जब वो हमें बड़ी अम्मा कहकर बुलाएगा ना, तो हम सारे गम भूल जाएगा, शहबाज का गम भी भूल जाएगा। गुमाकई, तू कितना बड़ा दिल वाला औरत है। नहीं, बड़े दिल का आदमी तो तुम, तुमने अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाया, उसकी बेवा बीवी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला, उसकी शादी पे अपनी बंदूक तक बेच दिया, तो हाँ कोई सगा बाप भी ऐसा नहीं करता जैसा तुमने किया। हम अभी आते। किधर जा रहे हो? इधर बैठ। देखो, कितने अरसे के बाद तुम इतना मीठी बातें कर रहा था। मैं मेरा कान तो ऐसी बातें सुनने को तरस गया था। गुलमकई, छोड़ो, के दर्द ने इतना परेशान कर दिया, कहां से मीठी बातें लाऊं? आ गुलमकई, आज किधर है तेरा जोड़ों का दर्द? आज तो तू एक नौजवान लड़की की तरह ऐसे चलती फिरती खुशी से सारे काम कर रही है, और तेरी बातों से तो फूल भी जड़ रहे हैं। ये कैसे कैसे, जरा बोलो ना। जाने दो, तेरी दुल्हन को भी तो तैयार करना, वो मेहमान आ जाएगा ना तो फिर बहुत बुरा लगेगा उनके सामने उसको तैयार करना। हाँ, तो हम मेहंदी लगाएंगे।
हमको मेहंदी नहीं लगाना, इससे बेहतर हमारे हाथों पे अंगारे रख दो। हमारा दिल तो कर रहा है कि तुम्हारे पूरे जिस्म पे अंगारे लगा दे, लेकिन हम मजबूर हैं। तुमने हमको बहुत तंग करके रखा हुआ है ना, जब तुमको पता है कि तुम्हारी बक बक कोई नहीं सुनेगा तो क्यों करता है? हाथ दे वरना हम गुलबास को बुला लेगा। खुदा मौत दे तुम्हारे शौहर को। तुम्हारा भी होने वाला शौहर है, तुमको शर्म नहीं आता अपने खावंद को बद्दुआ देते? ये देखो कितना प्यारा रंग चढ़ा है। अभी तुम हिलना नहीं जब तक ये मेहंदी सूख ना जाए। गुलमकाई हमारा बात सुनो। रेशमी, 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 बात करो, बोलो ना, कुछ बात करो। सरताब खान, हमें बचा लो, हमको यहां से ले जाओ, हमको हमको गुलबाज से शादी नहीं करना। हमने तुमको पहले कहा था भाग चलो, तुम कोई गांव बाप और इज्जत में फंसना था। अब हम तुमसे कह रहे हैं ना, हमको यहां से ले जाओ। तो फिर ठीक है, रात को तैयार रहना, हम आएगा तुम्हें। सुनो, अगर तुम नहीं आया ना तो हमारे लिए जहर भेजना। हम दुनिया में मरने के लिए नहीं आया, जीने के लिए आए। आएगा तुम्हें लेने, ये वादा है हमारा। इश्क की राहों में जो भी दर बदर फिरे, सुना है हर दुआ उसी की ही असर करे। जाना नहीं, नहीं। बताया तो वो इसको जान से मार देगा। हमारे हाथ तो कुछ नहीं आएगा ना। नहीं, नहीं। गुलबाज को पता नहीं चलना चाहिए।
अभी मौलवी को बुलाओ, निकाह पढ़वाओ। रागुल मकई, रात तो होने दो, निकाह भी हो जाएगा। बहुत देर हो जाएगी। क्या बोल रहे? हाँ? ये थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा चेहरा बड़ा खुश था, अभी क्यों इतना उतरा हुआ? दुल्हन का मेहंदी देखकर तुम्हारा जलन तो नहीं बढ़ गया? हो जाता, कोई बात नहीं। दुर्दाना, ओ दुर्दाना, बाहर आओ। गुलमा कही, आज तुम घर से बाहर निकल आया? तुम्हारा घुटनों का दर्द ने इजाजत दे दिया तुमको? तुम्हारा बेटा तुमको और हमको ऐसा दर्द देना चाहता है जो हमारे घुटनों के दर्द से बहुत बड़ा है। उसने क्या किया? उसने हमारे घर में घुसकर रेशम से मिलने की कोशिश की है। अगर गुलबाज खान को यह बात पता चल जाता ना, तो ना तुम जिंदा होता और ना ये घर इस जमीन पर मौजूद होता। कुल मकई, अगर ये तुम्हारा धमकी है तो आम भी बेटे का मां है। हम अपने बेटे के दुख और तकलीफ में उसके साथ खड़ा है। इसका मतलब है कि तुम अपने बेटे को नहीं समझाएगा? हमने कोशिश किया, अगर वो उसके प्यार में पागल हो चुका है। पागल को तो फिर जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुम मेरे बेटे को मरवाएगा? मेरे बेटे को तो तुम मरवा देगा, मगर उसका प्यार का कहानी को कैसे मारेगा? गुलमकई, लोग मौत की वजह पूछे बगैर दफन नहीं करता। लोगों का क्या है, उनका याददाश्त बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी भूल जाएगा। लेकिन माँ का बदुआ बहुत बड़ा होता है, ये पूरा हुए बगैर कभी टलता नहीं है। ठीक, तुम्हें समझाना हमारा फर्ज बनता था बस। और हाँ, हम तुमको दावत देने आए। आज हम तुम्हारे बेटे के प्यार को अपनी सौतन बनाने जा रहे हैं। हमारी खुशी में शामिल होने तो आ जा, वरना हम तुम्हारे बेटे की मौत के गम में शरीक होने से बुलाएगा। पानी सर पैर से गुजर गया है। वो पागल का बच्चा रेशम से मिलने के लिए उसके ससुर के घर में घुस गया। सारा गांव जानता है गुलबाज खान का गुस्सा नाक पर रखा होता है। वो बात बाद में करते, पहले गोली चलाता है। दिलावर खान, तुम कुछ बोलता क्यों नहीं? चुप क्यों बैठा है? हम भी इसी मसले का हल सोच रहे हैं। इस मसले का एक ही हल है, गुलमकई आज अपने शोर के साथ उसका शादी बना रहा है। तुम उसको लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो वापस आ जाना। हम आम को लगता है कि गुलबाज खान का रेशम से शादी हो गया तो जरदाब खान ठीक हो जाएगा। आ गया हमारा शेर भाई, कैसा है यारा तुम? किधर था? इधर ही था। किधर होगा? उसी चुड़ैल के आगे पीछे पेरा होगा। आज रात को उसका दूसरा शादी है, भूल जाओ अब उसको। रात में तो बड़ा वक्त बाकी है। तुमको पहले भी बोला अम्मा, रेशम सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। एक दफा तो दूर होने दिया उसको, अब नहीं होने देगा। बिल्कुल ठीक बोलता है, हम भी यही चाहते हैं कि जरदाब खान
और रेशम एक साथ हो। अम्मा तुम बाहर जाओ, कुछ खाना माना बनाओ, जरदाब आए हमको भी भूख लगे। जरदाबा देखो अभी निकाह में बड़ा टाइम है, अभी तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, कुछ सोचो, हम भी कुछ सोचते हैं। हम अभी थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, वापस आएगा तो दोनों मिलके जाते हैं, ठीक है? हम जाते हैं। अमानुल्लाह खान भी आ रहा है थोड़ी देर में, इस दफा आपका फसल तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन एक भी चेरी हमने नहीं खाया। सैफुल्ला खान खैर पखैर? संगी जी गुलबाज खान बारात कब तक आ रही है? बारात ने कहां से आना है? अब्दुल्ला के घर से। सैफुल्ला आप लड़की के बाप है, तुम्हें नहीं मालूम दुल्हा कौन है? आए है सब बात मैंने गुलबाज खान पे छोड़ दिया था। गुलबाज खान तुम्हारा दामाद और आज का दुल्हा है। गुलबाज खान शफीउल्ला चलो। गुलबाज खान ये सच है क्या? शफीउल्ला ये बात मैंने आपको बिल्कुल बता दिया था। तुमने मुझे क्या बताया था? तुमने तो हमको ये बताया था कि मैं तुम्हारा बेटी की शादी करवा रहा हूं। ऐसा बोलो शफीउल्ला, ऐसा बात करो, ये तुम्हारा समझने का बात था। हमने बिल्कुल वाजिया तुम पे सारी बात को साफ कर दिया था। हमने बोला था कि शादी कर रहे हैं, कर रहे हैं। तुमसे इजाजत भी लिया था। क्या मसला? तुमने ये तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हारा बेटी से शादी करूंगा? गुलबाज खान तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शफीउल्ला तुम इधर हमारे घर में हम खत्म कर रहे हो, ये अच्छा बात थी? बहुत बुरा बात है। देखो हम तुम्हारा कंधे का बोझ हल्का कर रहे हैं, तुम इसको भी नहीं समझते। क्यों, इसमें परेशानी वाला क्या बात है? गुलबाज खान तुम ये कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते बताओ ना, क्यों? जायज है, बिल्कुल जायज है। मैंने मौलवी से पूछा, अगर तुमको यकीन नहीं आता तो जाओ जाके मौलवी से पूछो कि जायज है या नहीं है। ये हम करेगा, इसमें हमारा इज्जत का सवाल है। और अगर इसको तुम नहीं होने देगा या आगे आएगा तो खुदा कसम शफीउल्ला हम तुमको इधर ही गिराएगा। सुनो, हमने पहले भी तुम्हारा बेटी को अपना बेटे के लिए ब्याया, 2 लाख हक मार दिया, अब भी ब्याहते हैं 1 लाख और दे देते, समझे? ठंडा दिल से सोच, गर्व नहीं। Thank you.
कितना खूबसूरत लग रहा है तुम्हारे कानों में। वैसे सेवर तो हर औरत पे बहुत सजता है। लगता है तुम्हें हमारी बात समझ में आ गया है। अगर पहले मान जाता तो क्या था, कितना हमें तंग किया तुमने। अल्लाह करे तुम्हारा सुहाग सलामत रहे। तुमको क्या पता कि हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं और कौन हमारा सुहाग बदलने जा रहा है। तुमको पता है कोई औरत अपना सुहाग ऐसे किसी दूसरी औरत के हवाले नहीं करता, लेकिन हमको देखो, हम तो तुम्हें अपने हाथों से सजा रहे हैं। तो क्यों कर रहे? हम भी तो ये सोच रहे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे। अभी भी वक्त है, मान जाओ, ये शादी रोक दो। हम जानते हैं अगर तुम चाहते हैं तो ये शादी रोक सकते हैं। नहीं, हम ये शादी नहीं रोकेगा, हम ऐसा नहीं करेगा कभी भी। वालेकुम अस्सलाम। आओ, कहना कहना कहना। वालेकुम अस्सलाम, कहना कहना। अस्सलाम वालेकुम। ये कल खुलेगा। हम ये नहीं करना चाहता था जरदाब खान, लेकिन हम मजबूर है, हमको माफ कर दो यारा। नहीं बिलावर खाना, बिलावर खाना, रेशम हमारा इंतजार करेगा, ये नहीं कर सकता, हमने वादा किया है, रेशम हमारा इंतजार करेगा। बिलावर खाना, दरवाजा खोलो, बिलावर खाना। गुलबाज खान, वल्द अरबाज खान, तुम्हें 50,000 रुपए बहिव्ज अक मेर निकाह कबूल है। कबूल है। कबूल है। मुबारक को दुल्हन ने हाँ कर दिया। मुबारक हो, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। तुमको भी बहुत बहुत मुबारक। किसने मारा है तुमको? भला कौन मार सकता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ले बाजी, ये पैसे ले। मैं नहीं जाऊंगी तो गुस्से में लाल पीला हो जाएगा, मैं चलती हूँ। तुम क्यों जा रहे हो उसके पास अगर वो तुमको मारता है तो? मैं नहीं जाऊंगी तो बच्चों को मारेगा, मैं जा रही हूँ बाजी। हाँ ठीक है। ये पैसे अमानत के तौर पर मेरे पास रखवाते हैं, वरना इसका शौहर इसे छीन के ले जाएगा। फिर भी ये तो शौहर का हक होता है, वो उससे पैसे क्यों छुपाती है? उसको सही मारता है। मोहल्ले की सारी औरतें अपनी मेहनत की कमाई मेरे पास जमा करवाती हैं, क्योंकि मैंने उनसे ये बात कही है और ये अच्छी बात है। तो फिर वो ऐसा क्यों करता है? तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है ना, बच्चे भी नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझोगे। जब वक्त आएगा तब समझ जाओ। शोर को धोखा देना तो अच्छी बात नहीं है। जो औरतें अपने बच्चों और शोहर के लिए पैसा जमा करती हैं, कल उनके ही काम आता है ये सब। औरत ही बचत कर सकती है, मर्द तो उड़ा देता है, वो तो बहुत लापरवाह होता है। आई समझ? Thank you.
ये पैसे कहाँ ले जा रहा है? हम कहाँ ले जाएगा? तो फिर गिनता क्यों है? अपने इत्मीनान के लिए गिन रहे हैं, क्या पता अभी दोबारा भी गिनना पड़े। या मेरे मौला, तू जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है ना। अब क्या सोच रहा है? अब सारा परेशानी खत्म हो गया है, अब सिर्फ दो दिन का काम बाकी है और काम भी किया, मेकअप भी उनका, कपड़ा भी उनका, तेरा सिर्फ फिल्म बनेगा और 3 लाख रुपए आ जाएगा। क्या परेशानी है? कोई मसला है तो बता दे। सारा बाजी के घर रजी आई थी, उसके शोर ने उसको बड़ा मारा है। अपने शोर से पैसे छुपाती थी ना, इसीलिए आलमजेब हमको बहुत डर लगता है। डर? कैसा डर? पैसे से। तो तुम्हें लगता है कि हम रजिया के शोर जैसा बन जाएगा? खुदा ना करे। सारा बाजी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, वो हमको क्यों कुछ कहेगा। रजिया की हालत देख के हमको बहुत अफसोस होता है। एक तो काम भी करती है, ऊपर से मार भी खाती है। तो इस इलाके में सारा लोग ही ऐसा रहता है। अब हमें इस इलाके में नहीं रहना चाहिए, किसी अच्छे से इलाके में मुनासिब घर देखते। इस घर में क्या मसला है? अच्छा तो है, महंगे घर में जाएगा तो हम गांव में घर कैसे बनाएगा? हम गांव में भी घर बनाएगा और इस शहर में भी घर बनाएगा, तुम देखना। मारा घर तो तुमसे है, तुम जैसे कहेगा हम वैसा करेगा। रजिया के लिए मेरा दिल बहुत दुखता है, तुम अपने हिसाब से क्या किसको कोई नौकरी दिला देना। तो तुम इनके मामलात में नहीं पड़ो, उसका शोर अव्वल नंबर का निकम्मा है, मुफ्त में रोटी खाने का आदत पड़ गया उसे। हमको बहुत अजीब लगता है कि मर्द ना कमाए और औरत कमाए तो घर कैसे चलेगा। अजीब तो लगता है, अब देखो ना, हमारे भी पीछे लोग बातें तो करता होगा, तुम्हारा कमाई ज्यादा है हमारा कम है। हमारी बात तो और है, हम तो आज कमाता है कल नहीं, तेरे पास तो गाड़ी चलाने का हुनर है, हमारे पास क्या है? हम तो नसीब का कहता है और नसीब का क्या भरोसा। ओ पगली, अल्लाह से अच्छा उम्मीद रखो, इस तरह का मायूसी का बातें नहीं करो, खुश रहा करो। बड़ी गाड़ी में आता है तो मल्ले का सब औरत हमको बहुत अजीब नजर से देखता है। तुम दफा करो इनको, तुम क्यों परवाह करता है इनका? मारा उलिया भी तो बदल गया है, पता नहीं सब क्या सोचता होगा। और हमको वक्त भी तो नहीं मिलता कि हम उनसे जाके बात कर ले, उनके पास बैठ जाए। सारा बाजी और रजिया से भी तो बहुत मुश्किल से मुलाकात होती है। हमको तो यही लगता है सब हमको अच्छा नहीं समझता।
इसीलिए तो तुमको इतने दिनों से कह रहे हैं कि घर बदल लेना चाहिए, घर बदल लेना चाहिए, मगर तुम हमारा बात ही नहीं समझता। क्या हम किसी से डरता है? क्या हम कोई गलत काम करता है? ओ भाई, तुम गलत काम नहीं करता है, मगर इन लोगों को तो लगता है ना कि तुम गलत काम कर रहे हैं। अब एक एक को तो नहीं समझा सकते, इसका हल यही है कि हम घर बदल लें। तो जहां हम जाएंगे वहां लोग बातें नहीं बनाएंगे? हम ऐसी जगह घर लेगा जहां पे सारा अफसर लोग रहता है, और अफसर लोग जहां रहते हैं ना वहां पर इस तरह का हरकतें नहीं होता है। किसी के पास टाइम ही नहीं होता है, सब अपने अपने कामों में लगा रहता है। अच्छा ठीक है, तुम कहते तो हम मान लेते हैं। आलमजेब, आजकल पता नहीं क्यों हमको रेशम का बहुत याद आता है। जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं ना, हमारा दिल अजीब हो जाता है। खुदा करे वो ठीक हो। फोन करो ना उसे, फोन क्यों नहीं करता है? कई बार हमने फोन करने की कोशिश किया, वो चाचा है ना, पहले तो बात करा देता था, अब तो बात ही नहीं कराता है। एक बार और कोशिश करते हैं। रुक जाओ तो। हेलो चाचा, हम पल विशा बात कर रहे हैं, रेशम से बात करवा दे हमारी। नहीं है रेशम। कहाँ गई है? अपने बाबा के घर गई है क्या? नहीं, बाप के घर नहीं गई। फिर कहाँ गई है वो? शादी हो गई है उसकी। शादी जरदाब के साथ? लड़की खबरदार, जो आइंदा यहाँ फोन किया बंद करो। पागल का बच्चा, दिमाग खराब। पता नहीं उस बुड्ढे ने रेशम का शादी कहाँ करा दिया। जरदाब से तो नहीं करवाया, उसका तो नाम सुनते ही उसको आग लग जाता है। तू दिल पे ना ले, रेशम ठीक होगा। हमको उसका बहुत याद आता है, एक ही तो हमारा सहेली है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं ये पता लगा लेगा उसका शादी किसके साथ हुआ है। ये घर बदलने का जरा मसला हल हो जाए, फिर गांव का भी चक्कर लगा कर आते। तो अपनी सहेली रेशम से भी मिल लेना, इस बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगा। सच? हाँ हाँ। हम गांव जाएगा? हाँ तो और क्या। हाँ, गांव जाएगा। टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला, टूटेंगी कैसे ये जंजीरें भला, जब रस्म और रिवाजों में हर एक है बंधा बेवजह। शुक्र है तुम आ गया, हम तुम्हारा इंतजार कर। गुलमकई, तुम हमारा इंतजार क्यों कर रहे? तुम्हारे दिमाग खराब नहीं हो गया? हम तो नहीं, वो दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अपने हाथों से सजाया है उसे हमने, तुम देखेगा ना, देखते ही रह जाए। उसको इंतजार करने दो, इंतजार में बड़ा मजा है। अभी उधर दोस्तों का महफिल लगा हुआ है ना, तो ये तो गपशप हो रहा है। मगर तुम किस खुशी में जाग रही हो? ए गुलमकई, इधर 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 जरा देख। तुम क्यों रो रहा है? हम तो नहीं रो रहे, उस आंख में कुछ चला गया था, ये देखो लाल हो गया। तुम जाके ठंडे पानी से धोएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। ए गुलमकई, नहीं गुलमकई, ये अच्छा बात नहीं है। देखो ये शादी हमने फकत तुम्हारी खातिर किया, तुमने खुद
ये शादी हमारे करवाया। ये सब कुछ करके अपने हाथों से तुम अब रो रहे? हम क्यों रोने लगा, हम तो खुश है आज। खुश? अगर तुम खुश है तो कुछ तुम्हारा आंखों में आंसू क्यों? हम क्यों रोने लगे? ये आंसू तो खुशी के हैं।